गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग छात्र छात्राओं, आज आप लोगों को पूछने वाली दो के सवाल समझाए जा रहे हैं, जिसमें सवाल है उपयुक्त तो सर्व संताओं को। पहला नंबर सवाल है यक्ष धन चार यक्ष धन दस यक्ष धन दस हल करेंगे। इधर पे दोनों मान यक्ष का मान बराबर है, यक्ष बराबर यक्ष, ए बराबर चार और बी बराबर दस होगा। मान लेते हैं मान को, इधर देखते हैं माना कि सूत्र लगाएंगे यक्ष धन ए यक्ष धन बी बराबर यक्ष स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यक्ष प्लस ए बी। यक्ष का मान यक्ष है, ए का मान चार, यक्ष का मान यक्ष, बी का मान दस बराबर यक्ष का मान यक्ष, ए का मान चार, बी का मान दस, यक्ष का मान यक्ष है और ए का मान चार होने बी का मान दस, चूंकि ए बी ए टू बी है बराबर यक्ष स्क्वायर प्लस ये दस और चार जुड़ा चौदह हुआ, चौदह जुड़ा यक्ष के साथ करेंगे चौदह यक्ष दस का को चालीस, यही इसका आंसर आएगा। इसी किताब का एक सवाल और वाई स्क्वायर धन तीन बटे दो, दूसरा नंबर वाई स्क्वायर धन तीन बटे दो वाई स्क्वायर माइनस तीन बटे दो वाई स्क्वायर माइनस तीन बटे दो। इसमें भी यक्ष बराबर वाई स्क्वायर, ए बराबर तीन बटे दो, बी बराबर माइनस तीन बटे दो। माना कि इसमें भी वही सूत्र लगाएंगे यक्ष प्लस ए यक्ष प्लस बी बराबर यक्ष स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यक्स प्लस ए बी। यक्स का मान वाई स्क्वायर, ए का मान तीन बटे दो, यक्स का मान यक्स वाई स्क्वायर, बी का मान माइनस तीन बटे दो बराबर यक्स का मान है वाई स्क्वायर जाते दो प्लस ए का मान है तीन बटे दो प्लस बी का मान है माइनस का तीन बटे दो, यक्स का मान है वाई स्क्वायर प्लस ए का मान है तीन बटे दो गुणे माइनस तीन बटे दो। ये वाई की घाते दो है पहले से, ये जो पावर चली इसके दो वाई की घाते चार प्लस इसका मान तीन बटे दो दिन तीन बटे दो होता है क्योंकि तीन और प्लस माइनस हो जाएगा। वाई स्क्वायर ऋण और प्लस का गुणा करेंगे माइनस तीन प्रकार नौ बटे दूनी चार वाई की घाते चार धन इसका एलसीएम लेंगे दो आएगा, दो तो प्रभाव केंद्र मान एक आएगा, एक करूंगा तीन के साथ करेंगे तीन आएगा, दो प्रभाव करेंगे मान एक आएगा, एक करूंगा तीन के साथ करेंगे तीन आएगा वाई स्क्वायर नौ बटे चार बराबर वाई की घाते चार धन ये मान घट जाएगा जीरो बटे दो में वाई स्क्वायर माइनस नौ बटे चार वाई स्क्वायर क्योंकि जीरो का गुणा करेंगे मान को तो जीरो मान है किसी भी संख्या के साथ गुणा करेंगे इस केस में चला जाएगा वाई स्क्वायर माइनस नौ बटे चार यही इसका आंसर है।